I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. तुम लोगों को पता है मैंने पूरा म्यूट होके बोला है। हाँ, तेरी आवाज नहीं है मुझे। हाँ, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं। नहीं। पछता है मुझे। एक सेकंड। वो राग। क्या? ठीक है। तो आज हम कुछ अलग ही कर रहे हैं, मतलब कुछ अलग ही। And it is exciting क्योंकि इट इज नॉट वेरी रिकमेंडेड, ये सब हमें सुनने में आया तो वी वर लाइक ओ हो ऐसा करते हैं, इट्स गोना बी फन। जैसे यहाँ पे ना महाराष्ट्र में देयर इज दिस विलेज नेम शनि शिग्नापुर, या वहाँ पे कोई भी घरों में दरवाजे नहीं है, बिकॉज यू नो वो उसके पीछे एक बहुत ज्यादा बड़ी माइथोलॉजिकल स्टोरी है, यहाँ पे और चोरी नहीं होगी और चोरी नहीं होती। ये लोगों ने तो विजिट भी किया वहाँ पे, किसी के मतलब नॉर्मली कर्टन्स रखते हैं फॉर प्राइवेसी रीजंस, लेकिन किसी के घर पे दरवाजे नहीं है, विच इज अ ग्रेट थिंग, लाइक वाओ ऐसे भी चल सकते हैं। टेंशन नहीं है इंसान, बस इंसान की फटती नहीं है कि यार सच में कुछ भी कर लेगा, बट या ऐसी स्टोरीज होती है। सो दिस इज कि यहाँ पे 100 साल में कोई क्राइम नहीं हुआ, जुर्म नहीं हुआ। वाओ। एंड द विलेज नेम इज रसूलपुर। देखते हैं क्या है, हमें इसकी कोई खास रिकमेंडेशन। पाकिस्तान का पीसफुल और सिविलाइज्ड विलेज रसूलपुर, तो ये काफी एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग, ऐसा कुछ अलग देखना, बहुत वो नेशनल ज्योग्राफिक वाली फीलिंग आ रही है। कोई भी चीज से जो नॉलेज मिलती है ना, आई फील बहुत अच्छा लगता है, और ऐसी जगहें देख के तो और अच्छा लगता है कि यार जहाँ पे हम ऐसी जगहों ऐसी रोज केसेस सुन रहे हैं, रोज क्या चल रहा है, चोरी चकारी रेप केसेस एंड स्टफ, और उसके बीच में ऐसी चीज अलग चीज अलग मजा, फन होगा। पहले स्टार्ट करते हैं फिर बातें करते हैं। और कंप्यूटर चालू किया जाए। रसूलपुर पाकिस्तान का वाहिद गांव है जहां 100 साल से कभी कोई जुर्म नहीं हुआ। पूरे गांव में किसी को सिगरेट बेचने की इजाजत नहीं और सारा गांव पढ़ा लिखा है। पाकिस्तान के अंदर इस काबिले मिसाल गांव का चर्चा बेरूने मुल्क भी होता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ सैयद अली रजा। आज आपको पाकिस्तान के एक ऐसे गांव की सैर करवाएंगे जो अमेरिका से भी ज्यादा तरक्की याफ्ता है। इस वक्त मैं जिला राजनपुर के नवाही गांव रसूलपुर में मौजूद हूँ जहाँ गुज़िश्ता 100 साल से शराए खानदगी 99% है, यानी यहाँ का हर शख्स तालीम याफ्ता है। 100 साल से यहाँ पर जराइम की शरह सिफर है। 100 साल से यहाँ पर मंशात नोशी और मंशात फरोशी पर सख्त पाबंदी आयद है। इस कदर नज़्म व ज़ब्त से बसने वाले इस गांव ने दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया है। आज आपको इस गांव का तर्ज जिंदगी दिखाते हैं, यहाँ के लोगों से भी मुलाकात करेंगे, आए हमारे साथ। सर, रसूलपुर ने अपनी तालीम की वजह से आज यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और मगरबी ममालिक से बहुत आगे चला गया है। और इसकी बुनियाद ही यही है कि यहाँ हर बंदा तालीम का दिलदादा है और पूरे लगन शौक शौक से तालीम हासिल कर रहा है, चाहे वो औरतें हों, मर्द हों, बच्चे हों, कोई भी हो, तालीम के अलावा किसी चीज़ का नहीं सोचते, और इसी वजह से रसूलपुर ने बेपनाह तरक्की की है। यहाँ के लोगों में इस कदर तालीम हासिल करने का शौक कैसे पैदा होता है? बस ये बच्चे देखते हैं जब आते हैं तो कि भी इनके बड़े भाई बहनें और इनके बुजुर्ग वालदैन सब तालीम याफ्ता हैं और आला ओहदों पर काम कर रहे हैं, तो वो भी अपने ख्वाब इसी तरह से देखते हैं कि हम भी तालीम करके उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और वही रुतबा और मर्तबा हासिल करेंगे जो हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया हुआ है। सर, सिगरेट है यहाँ पर? नहीं सर। क्यों? ना यहाँ बेचने की इजाज़त है ना खरीदने की इजाज़त है किसी को, नौजवान को। अच्छा, बूढ़े पी सकते हैं? नहीं, बूढ़े भी नहीं पी सकते। अच्छा, मैंने अब सिगरेट पीनी हो तो मैं कहाँ जाऊँ?
उधर अड्डे पे या जानपुर या नर्सलाम पे उधर। अच्छा, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है मेरे ख्याल में इसकी बुनियाद रसूलपुर से निकली होगी। क्या बात, क्योंकि आपको मेरे ख्याल में गली के अंदर बंदा जो मिलेगा वो एमए मिलेगा, जो शॉप पे बैठा होगा वो एमए मिलेगा, जो किसी गाड़ी पे जा रहा होगा वो पीएचडी होगा। क्या बात है, ये है हमारा सिस्टम रसूलपुर का 100% एजुकेशन का। हम सेल्फ मेड लोग हैं, हम ना एमपीए का वेट करते हैं, ना एमएनए का वेट करते हैं, ना डीसी का वेट करते हैं। आपने विजिट किया है ना रसूलपुर का, ये तमाम लोगों ने अपनी मदद के तहत खुद रसूलपुर को स्टेबल किया है। यानी जो यहाँ पर रोड बने हुए हैं, सोलिंग लगे हुए, ये सब आपकी अपने ही कॉन्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सर, हमारी यहाँ पे अपनी एक विंग बनी हुई है, रसूलपुर डेवलपमेंट सोसाइटी पैसे इकट्ठे करती है, हमने गली बनानी है, नाली बनानी है, और किसी की हेल्प करनी है हम खुद करते हैं। किसी ने नहीं विजिट किया, ना एमपी आया, ना एमएनए आया, ना डीसी आया। एक बात कोई रसूलपुर के लिए अगर आप कहना चाहें तो कोई एक जुमला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने अपना तालीमी मियार बुलंद करना है तो रसूलपुर विजिट लाजमी करे। अच्छा, यहाँ के लोग टैक्स भी देते हैं, कमाई तो यहाँ करोड़ों में है, महाना कड़ा कमाई। जी सब जॉब होल्डर हैं, वो तो टैक्स उनका ऑटोमेटिक ही काट रहे हैं। अच्छा, सारे जॉब होल्डर हैं यहाँ के लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सरकार को कितना टैक्स देते हैं? हम तो अभी जॉब करते नहीं है ना, इसलिए टैक्स भी नहीं देते, अपना काम करते हैं। जी मैं वैसे बाहर रहता हूँ। कौन से मुल्क में? मैं यूएई में रहता हूँ। यूएई में होते हुए रसूलपुर को कैसा देखते हैं, यहाँ के मैनर्स, यहाँ की एजुकेशन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जब आप हूँ और फिर आप रसूलपुर को देखें तो कैसा लगता है? आपके यूरोप से भी हमारा जो रसूलपुर आना बहुत अच्छा है। हाँ, इधर बहुत आपने देखी होंगी हमारी गलियाँ, सफाई सिस्टम, ये सब कुछ जो है ना बेहतरीन है। बाहर वाले मुल्कों से यहाँ निज़ाम हमारा जो है वो बेहतरीन है। कौन सी क्लास में है और क्या बनना चाहते हैं? सर मैं 10th क्लास में हूँ, आर्मी वाला बनना चाहता हूँ इंशाल्लाह। सर मुल्क के लिए सर्व करूँगा, मेरी कम्युनिटी जो मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तालीम भी अच्छी है, सब के सब पढ़े लिखे हैं, मुख्तलिफ शोबों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अपनी, और मैंने बचपन से ही अपना शोबा चुना हुआ है आर्मी में। जी मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ और मुस्तकबिल में मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हमारी जो कम्युनिटी यानी हमारे घर वाले हैं वो भी तालीम याफ्ता हैं और मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। इसी तरह मैंने भी बचपन से ही डॉक्टरी का ख्वाब देखा है और इंशाल्लाह मैं अपने मंजिल तक पहुंच कर रहूंगा। क्या बात है, तालीम की वजह से क्या यहाँ पे फिर घरेलू जो नाचाकियाँ आपस में होती हैं घरों में वो भी नहीं होती कभी। अच्छा। ना तो हमारी सास बहू की इस तरह की कोई होती है, ना हमारे खावंदों के साथ ऐसे मसाइल होते हैं, ना खावंद को तो कभी ना कभी मतलब नहीं, वो तो नहीं है, वो भी ऐसी ज्यादती नहीं करते किसी के साथ क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं। अच्छा, हमारे में इतना गाली गलूच का तो रिवाज ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अगर तालीम हो तो फिर घरेलू नाचाकियाँ भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, मेरी माशाल्लाह चार बहुएं हैं, दो बेटियां हैं, सब ने माशाल्लाह एमए किया हुआ है, छोटी छोटी जो है सिर्फ वो एमए कर रही है अभी, बाकी सब बेटे हैं वो भी सब ने, बल्कि चारों बेटों ने भी एमए किया हुआ है, किसी को कोई दो, एक बेटा मेरा पीएचडी कर रहा है, एक बहू मेरी एमफिल किया हुआ उसने। मोहम्मद खालिद साहब, यहाँ का लिटरेसी रेट 100% है, क्या असातिज़ा बच्चों को मायल करते हैं, वालदैन को मायल करते हैं, वालदैन की ख्वाहिश होती है कि बच्चा स्कूल जाए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पेरेंट्स का भी ट्रेंड इधर है, अल्हम्दुलिल्लाह ये टीचर्स की भी कोशिश होती है, महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये चीज़ें की जाती हैं, सहूलियात या मतलब पेरेंट्स को कायल किया जाता है, मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं इस हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम इस लिटरेसी रेट पे पहुंचे हैं इस कोशिश से। जनूबी पंजाब के हजारों देहातों में बसे इस खूबसूरत देहात रसूलपुर की आज हमने आपको सैर करवाई है, जहाँ की ना तो कोई गली वीरान है और ना ही कोई कूचा वीरान है। ये गांव रसूलपुर आज भी पुरखों की रिवायात के मुताबिक गुज़िश्ता 100 साल से पूरे आबोताब के साथ आबाद है। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज उर्दू पॉइंट पर हमसे राब्ता करें। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। एजुकेशन का बहुत है वहाँ पर, साफ सफाई कितनी ज़्यादा है। या आई लव जब ओल्ड जनरेशन, दे वैल्यू द स्टडी सो मच। मुझे तालीम का मतलब नहीं समझ आया, मुझे लगता है तालीम मतलब एजुकेशन ही होगा, क्योंकि मतलब बट एंड में यू नो तालीम एंड एजुकेशन साथ में बोला था उन्होंने,
बहुत ज्यादा पीसफुल है क्योंकि ना अपना एक छोटा सा अपने में खुश है वैसा लग रहा है, अपनी दुनिया, सच में अपनी दुनिया। ये होता है ये छोटे छोटे गाँव में, यू नो वो लोग इतने कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। मैं लव द पार्ट कि ये लोग कनेक्टेड तो है लेकिन उसके साथ ये लोग एक इतनी अच्छी सोच को, यू नो 100% लिटरेसी बहुत बड़ी चीज होती है, स्पेशली गांव जैसे जगहों के लिए इट इज वेरी बिग थिंग क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी कम होती है, इसकी वजह से और भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब not totally but somewhat percent है ना, illiteracy causes crimes like ये easy होता है for people जिन्होंने ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो। ओके वी आर नॉट, हाँ वैसा नहीं मतलब आप समझ रहे हो, मतलब इन जनरल सेंस जब लिटरेट होते हो क्राइम्स तो होते हैं साथ में और बहुत सारे, जैसे यू नो काफी सारी हमने बचपन में बातें सुनी होगी, सुपरस्टिशंस होते हैं, ये लिटरेसी के साथ ही है ना आई थिंक रेडिकेट होता है लाइफ से कि अरे ये क्या है, ये क्या है, क्यों है, लिटरेट, हाँ वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स। तो आई थिंक लिटरेसी हमें एक अच्छी चीज देता है कि हमें एक हैबिट देता है हर चीज का आंसर जानने का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब एक लिटरेट एम ए इज अ बिग डिग्री, मास्टर्स अगर आप कर लेते हो उसके बाद यू नो यार इट इज गुड कि सब इतने अच्छे आप एक लाइक यू नो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है आपको चीजों का, एक डिफरेंट मोटिव होता है हर चीज को लेकर, वो सब बहुत चेंज होता है। ऐसे छोटे छोटे गाँव अगर दुनिया में मतलब हर कोई अगर ऐसा सोच ले कि यार लिटरेसी कितना इंपॉर्टेंट है तो कितना प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा। और वहाँ पे ये सच में बहुत अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे जो बड़े बुढ़े और सब लोग थे वो लोग भी बहुत ही यू नो खुशी से कह रहे थे कि हाँ बहुत पढ़े लिखे हैं हमारे घर के सभी को, तो वो बहुत अच्छी चीज थी कि आप इतना बढ़ावा दे रहे हो सबको। यस गाइस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ऐसे चीजों को देख के मोटिवेशन मिलता है कि यार एक अच्छा फीलिंग है, अच्छा इनिशिएटिव है और ये वीडियो लेके आए, अच्छा है कि और लोगों को जानने मिले कि हाँ चलो मैंने हमारा माइंडसेट क्या होता है, छोटा सा गांव है हमें सर तक लिटरेसी तो वहाँ पे नहीं है, तो एकदम नहीं, हमने देखा भी है काइंड ऑफ एंड यू नो ये काइंड ऑफ वो फैसिलिटीज कम होती है उनके पास, तो लिटरेसी नहीं होने का रीजन भी है उनके पास, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि कितना गाँव एंड वहाँ पे क्राइम नहीं है बिकॉज ऑफ लिटरेसी। हाँ यार क्राइम वाले पॉइंट पे मुझे और बातें सुननी थी इसमें, बहुत कम था उन्होंने सिर्फ एंड में कहा एकदम हल्का सा वो भी नॉट टोटली यही लाइन बट व्हाटएवर इट वाज गुड टू नो, और लाइक यू नो कोई और किसी को न्यू ये पता चलेगा हमारे वीडियो के थ्रू, अच्छी बात है, अच्छी बात है सच में, किसी को अगर पता चलता है तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इट वाज नाइस, टेक केयर गाइस।